Hello, munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher, and I hope you all are doing well. So, today we have a very long chapter in 20 minutes. Yes, 20 minutes is all I'm going to ask from you, and I promise you, by the end of this 20 minutes, you would be absolutely thorough with this chapter and feel confident to answer any question that can be asked. फ्रॉम दिस चैप्टर नेम्ड मिजबिल अगर आपका भी गोल ये है कि आपको इस चैप्टर को कम टाइम में और बहुत अच्छे से करना है तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और एंड तक जाने से पहले सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है बिकॉज उसके बिना आपका ऐसे अमेजिंग अमेजिंग वीडियो के रिमाइंडर्स तो डेफिनेटली नहीं मिल सकते चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर डू सिंस वी हैव वेरी लेस टाइम इन हैंड्स तो हम बहुत सारा काम जल्दी जल्दी करेंगे बट स्टिल तो कहांपॉर्टेंट क्वेश्चन -कहां पूछे जा सकते हैं वट ऑल यू नीड टू फोकस ऑन वाइल स्टार्टिंग दिसम को डिस्कस करेंगे सो दैट इन केस इफ यूर आस्ट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर तो आप उसे भी बहुत अच्छे से आंसर कर पाए

ठीक है अब ये जो नरेटर है ना इसके पास पहले एक डॉग हुआ करता था एंड वंस इस डॉग पास ही मोर पेट्स बट वाई ही वो सर्विंग इन इराक इराक में वो थे तो उस टाइम पे उन्हें फील हुआ कि क्यों ना इस बार में ऑटर को रखूं तो ये एक्चुअली मिजबिल की यू you नो know, वाली पिक्चर है, है ठीक असली वाली पिक्चर है तो इराक में ना उनके फ्रेंड उन्हें बताता है कि तुम्हें अगर ऑटो चाहिए तो तुम टिग्रिस मार्शेस से ले लो ऑटो क्योंकि वहां पे ये मस्किटोज की तरह मिलते हैं बहुत कॉमन है एंड नरेटर फील्स की हाँ वो रहता भी कैमस्फियर में आ, कैमस्फियर में था विच इज एक्चुअली सराउंडेड बाय एंड इट प्लेस फॉर टू लिव तो वही उनका फ्रेंड क्या करता है चुपके से उनके लिए एक ऑटर को अरेंज करता है जो कि दो एरब्स उनके पास छोड़ के जाते हैं और उस ऑटर का आना था कि पूरे के पूरे हमारे नरेटर की ना जिंदगी बदल गई अब वो जिंदगी कैसे बदलती है क्या सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स होते हैं उसी को हम इस चैप्टर के अंदर समझेंगे तो so भाई इस स्टोरी में क्या है कि हम एक राइटर बता रहा है कि कैसे उसकी लाइफ ऑल्टर कर जाती है जब वो ऑल्टर रखने का सोचता है तो उसके फ्रेंड ने सजेस्ट करा था कि वो टिग्रिस मार्शेस से ऑटर को ले एंड सिंस 1956 में वो इराक में ही था ठीक है तो वहां पे कुछ दिनों बाद उसका फ्रेंड खुद ही उसके लिए एक ऑटर का अरेंजमेंट कर देता है नाउ वेन दिस ऑर्टर एंटर्स इन टू आर नरेटर्स लाइफ ठीक है तो इनिशियली तो ये थोड़ा सा डिस्टेंट था ठीक है बिल्कुल कुछ ध्यान नहीं दे रहा था ही वॉज जस्ट एब्सुलटली इनडिफरेंट बट धीरे धीरे जो है वो हमारे नरेटर के क्लोज आ जाता है एंड ऑटर्स ना इनको वॉटर से खेलना बहुत ज्यादा पसंद है ना दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई यू नो गिव टू इंस्टेंसेज गिव समर जिससे आप बोल सकते हो कि ऑटर्स लव टू प्ले विथ वॉटर तो हुआ क्या था कि जब पहली बार नरेटर जो है इस प्यारे से मिजबिल को यू you नो know, बाथरूम लेके जाता है

वॉटर्स लव टू प्ले विथ बॉटर अब इराक से जब हमारे ऑथर का जाने का टाइम आता है ठीक है तो इसे पहले लंडन जाना था एंड जो ब्रिटिश एयरवेज थी ना उन्होंने तो डायरेक्टली मना कर दिया था कि भाई सुनिए हम तो किसी भी एनिमल को फ्लाई करने नहीं देते हैं सो आर ऑथर अ डिफरेंट वे तो क्या करते हैं वो पहले पेरिस तक की फ्लाइट लेते हैं वहां से कनेक्टिंग फ्लाइट लंडन की लेते हैं किसी और एयरवेज के थ्रू जिन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए थे कि मिजबिल को आपको एक छोटे से बॉक्स में लाना पड़ेगा अदरवाइज हम आपके साथ किसी पेट को अलाउ नहीं कर सकते ठीक है सो एरब्स लेकर आए थे ऑथर को एक सैक्ट में जिसका नाम मिजबिल पड़ गया और कुछ दिनों बाद जो है अब ऑथर को लंदन जाना था अब क्योंकि ब्रिटिश एयरलाइंस जो थी वो तो एनिमल्स को परमिट नहीं करती थी तो उन्होंने दूसरी एयरलाइन बुक करी ठीक है और उन्होंने बोला कि अगर आप मिजबिल को एक बॉक्स में रखोगे तो हम आपके एनिमल को आने का अलाउ कर सकते हैं तो अब क्या होता है कि जो हमारा ऑथर होता है वो हमारे इस मिजबिल को छोटे से बॉक्स में रख के कुछ टाइम के लिए चला जाता है लंच करने and when he he comes back, what he sees कि के में से थोड़ा बॉक्स को, पे है, है, को पूरा का पूरा फाड़ने की कोशिश करी थी ठीक है नाउ जब ये पूरा सीन होता है तो और, नरेटर को रिलाईज होता है कि हार्डली दस मिनट बचे हैं एंड

एंड दैट इज वेन ही कॉल्स दर हो तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जो हमारा ऑथर है वो एयरहॉस्टिस को क्वीन ऑफर काइंड क्यों बोलता है बिकॉज द एयर हॉस्टेस वॉज वेरी अंडरस्टैंडिंग कोऑपरेटिव इन शी लेट्स यू नो नरेटर की जैसे ही बॉक्स से खुद निकलता है मिजबिल वो पूरे के पूरे एयरलाइन में इधर उधर भागने लगता है

लंदन पहुंच जाते हैं सो so, प्लेन में जो है ऑटर लाइक स्केप कर जाता है बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला मचता है फाइनली जो है, के पास आके उसकी पे शांति से बैठ जाता है एंड उसके बाद लंदन पहुंचने के बाद ना मिजबिल uh, को एंटरटेनमेंट के बहुत सारे जरिए मिल गए थे सो so, ये एंटरटेनमेंट के जरिए भी काफी इंपॉर्टेंट है

वॉक पे भी लेकर जाता था अब जब वो वॉक पे लेकर जाता था ना उसको मजबूर को तब भी एक नजारा होता था क्योंकि कॉमन लंदनर्स ने कभी भी यू you नो know, एक ऑटर को नहीं देखा था वहां पे ऑटर कॉमनली फाउंड नहीं होते सो एवरी वन यूज टू हैव अ वेरी डिफरेंट गेस अबाउट मिच्पिल. किसी को लगता था वो सील है किसी को लगता था स्क्वेरल है कोई उसे हिपो बोलता था बट वन वॉज एवर एबल टू गैस कि जो हमारा मिजफिल है वो एक ऑटर है और उसी के साथ साथ मिजबिल की ना एक कंपल्सिव हैबिट थी जब भी वो अपनी वॉक से वापस आता था ना तो जो ऑथर है उसके फ्लैट के जस्ट सामने एक प्राइमरी स्कूल था जिसकी बाउंड्री वॉल पे मिजफुल कूद जाता था और जैसे वो बाउंड्री वॉल पे कूदता था तो अंदर के टीचर्स बच्चे सब हैरान परेशान हो जाते थे कि ये कौन सा जानवर जा रहा है सो so, नरेटर जो है वॉक पे लेकर जाता जहां पे लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट गेसेस लगाते थे किसी को लगता था सील है किसी को लगता था स्कूरल है कोई हिप बोलता था क्योंकि बहुत ही कम लंडनर ने कभी ऑटर को देखा था और वो इस एनिमल को देख के बहुत ज्यादा सरप्राइज रहते थे बट सबसे मजेदार गेस्ट जो था ना मिजबिल को लेकर एक लेबरर का था वो अपना काम कर रहा था और उसी टाइम पे नरेटर जो है मिजबिल को वॉक करा के वहां से ले जा रहा था एंड दैट लेबर ही लीव्स ऑल ऑफ टूल्स एंड ही बेंड्स गोस लाइक वट इज दिस सपोज टू बी वो बोलता है कि ये एनिमल चीज क्या भाई ठीक है एंड दैट वॉज एबसोल्यूटली हिलेरियस फॉर दरेटर सो सबसे शॉकिंग क्या था एक लेबर से जो कि एक होल डिक कर रहा था और जैसे उसने ऑथर को देखा उसने क्या बोला दैट सपोज टू बी सो इस तरीके से इस पॉइंट पे ये पूरी की पूरी स्टोरी एंड हो जाती है वेयर वी रियलाइज यू नो हाउ स्ट्रॉन्गली हाउ वेल मिजविल एंड दी नरेटर वर बॉन्डेड ठीक है और कौन से कौन से इंसिडेंट्स जो है लंडन की जर्नी पे मिजबिल की वजह से होते हैं

That's it. We are done with the entire chapter. And this is the schedule of the week. तो so, अगर आपने कुछ भी miss करा है तो please जाके देख लीजिएगा भाई देखिए हम लोगों ने ना इस हफ्ते बड़े प्यारे तरीके से आपको बताया था कि अगर आपका English paper time पे नहीं होता है तो how you need to divide your time? किस question को कितना time दें कैसे कैसे sections पहले करें कौन से बाद में करें Then I also gave you a seven step strategy to prepare for your pre boards. Then most repeated questions from a tiger in the zoo. उसके बाद most repeated questions from glimpses of India. फिर आई टोल्ड यू हाउ टू कंप्लीट यंटायर इंग्लिश सिलेबस इन जस्ट फोर्टी एट आवर्स एनसीआर जिसके अंदर हमने और उसके क्वेश्चन फिर हम लोगों ने वन शॉट करा कराया मिजबिल दर्टर पे और अब कल आपके पास आने वाला है पांच 5... नहीं कल नहीं आज ही पांच बजे आपके पास आने वाला है द तो मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन एंड समरी तो प्लीज उसे भी जाकर जरूर देखिएगा एंड किडोस दिस इज आर टेलीग्राम चैनल तो अगर आपको ऐसी अमेजिंग अमेजिंग वीडियोज के रिमाइंडर्स पीटीएस पीडीएफ चाहिए तो प्लीज ज्वाइन आर कम्युनिटी ओवर देयर द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल तो अगर किसी को मुझे पर्सनली रीच आउट करना हो तो दिस इज वे यू कैन फाइंड मी and let me tell you कि English का एक डिटेशनल शॉट्स चैनल भी है, where every week I put up shots to help you with the grammar, vocabulary, and वहाँ पे हर हफ्ते हम आपके सारे पोम्स और चैप्टर्स को सिर्फ 60 सेकंड्स में समराइज भी कर रहे हैं। so what are you waiting for? the link is again in the description box. please check out that channel and if you enjoyed this video, hit the like button, share it with your friends, and subscribe to the channel if you haven't done yet. Bye bye, guys, हाथ से Fir milenge. Bye bye. Bye बर्थडे